नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुझे अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, पहले नवरात्रे को माता शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि और आठवें नवरात्रे को महागौरी माता की पूजा की जाती है। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म शास्त्र में इस बात को कहा गया है कि माता के हर स्वरूप की पूजा करने के अपने नियम और विधान है। जो भी भक्त अपने जीवन में माता रानी की पूजा अर्चना करने के इन नियम और विधानों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 9वें नवरात्रे को कौन सी माता रानी की पूजा की जाती है और 9वें नवरात्रे को हमें कौन से वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, नवरात्रे के 9वें दिन माता सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है और 9वां नवरात्रा माता सिद्धरात्रि को समर्पित होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस बात को कहा जाता है कि नवरात्रे के 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, बैंगनी रंग हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि माता सिद्धरात्रि अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती है। इसी कारण से भक्तों को नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए।